This news is brought to you by Chanakya IAS Academy. 29 years of excellence, extraordinary results every year. 5,000 plus selections in IAS, IFS, IPS and other civil services so far. For more information, contact 730-376-3540. ऊना जिला मुख्यालय पर वाहनों की बेतरतीब पार्किंग, एक तरफ जहां शहर की सूरत को बिगाड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ लगातार हादसों का सबब भी बन रही है। सड़क के किनारे फुटपाथ पर लोगों को पैदल चलने के लिए एक इंच भी जमीन नहीं बची है, लिहाजा लोगों को सड़क के बीचों बीच अपनी जान को जोखिम में डालते हुए चलना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति के कारण वाहनों की आवाजाही पर भी काफी असर पड़ा है। नतीजा ये है कि शहर भर में हर वक्त जाम जैसे हालात बने रहते हैं। दोपहिया वाहनों से लेकर बसों तक की हालत ऐसी है कि जिसका जहां मन करता है वहां पर वाहन खड़ा कर अपने काम के लिए निकल जाता है, जिसका खामियाजा सड़क पर चलने वाले राहगीरों और वाहन चालकों को भुगतना पड़ता है। अब ऐसे ही बेफिक्र वाहन चालकों के लिए पुलिस द्वारा एक विशेष अभियान छेड़ा जा रहा है। अगले 15 दिन तक पुलिस बेतरतीब पार्किंग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने का ऐलान कर चुकी है। सर, ऊना शहर में हाईवे के किनारे खड़े बेतरतीब वाहन जो है यहाँ एक और दुर्घटनाओं को न्योता दे रहे हैं, वहीं जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको भी नुकसान है। इस बारे में मैं कहना चाहूँगा कि ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमने अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाए हैं, जिसमें हम स्कूल्स और वेरियस इंस्टीट्यूशन में हम विजिट कर रहे हैं। साथ में हमारा ट्रैफिक स्टाफ भी इस मामले में बहुत से संस्थानों में और ट्रक यूनियन में विजिट कर रहा है और अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहा है। साथ में अभी हमने 15 दिन का एक अगेंस्ट आइडल पार्किंग और साथ में जो भी मोटर व्हीकल के तहत कॉन्ट्रावेंशन होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, बात की जाए तो किस तरह से सुधार जो है वो अब इसमें हो पाएगा, जिस तरह से आपने बताया कि जागरूकता शिविर भी लगातार लगाए जा रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके जो सड़कों किनारे वाहन खड़े होने की स्थिति जो है ठीक नहीं हो पा रही, जबकि पार्किंग की सुविधा हमारे पास काफी है। इस मामले में हम लोगों को एक स्टेप तो है कि इसमें लोगों को जागरूक किया जाए कि जो अपना वाहन है वो प्रॉपर पार्किंग स्थल में लगाएं, लेकिन मुझे लगता है कि लोग पार्किंग फीस देने से कतराते हैं और ये एक मेन कारण है जिसमें कि लोगों को जागरूक किया जाएगा। दूसरा है कि हमें सख्ती से अब पेश आना पड़ेगा और साथ में हमने आदेश दिए हैं कि इन 15 दिनों में सख्ती से पेश आएं ताकि जो बेतरतीब वाहन खड़े हैं उससे हमें निजात मिल सके। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए ऊना से मुनिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट।